नमस्कार, डेली डाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से चुनाव में पड़ने वाले असर के बारे में। जी हां, मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को ऐसे समय में बंद करने का फैसला किया है जब यूपी में चुनाव सिर पर हैं। ब्रांडिंग और कॉरपोरेट होते चुनाव में जब सारी जमीन पैसे से ही तैयार होती है, ऐसे में इस झटके ने कई प्रत्याशियों और दावेदारों के माथे पर पसीने ला दिए हैं। जानकारों के अनुसार तो फैसला सही से लागू हुआ तो कैश की ऐश बंद हो जाएगी। चुनाव के बदलते ट्रेंड में कार्यकर्ताओं की जगह पेट वर्कर ने ली है। भीड़ जुटाने से लेकर पोस्टर बैनर लगाने तक का सारा काम भुगतान पर होता है। ऐसे में सारा काम ही ठप हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है, जबकि खर्च इससे कई गुना ज्यादा होता है। चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशी अपनी आय व खर्च दोनों ही कम दिखाते हैं। टिकट पाने से लेकर क्षेत्र में माहौल बनाने तक के खर्चे कैश में ही होते हैं। समस्या ये है कि अगर पहले से जुटाया गया पैसा अकाउंट में जमा कराकर इसे सफेद खर्च करने की कोशिश की जाए तो इनकम टैक्स के दायरे में लाना होगा। इससे पिछली आय के आंकड़ों में हेर फेर में फंसा जा सकता है। समस्या क्षेत्र दलों के लिए और बढ़ गई है, क्योंकि उनका अधिकांश लेन देन कैश में ही होता है।